ये देख रहे हैं हर की पैड़ी का दृश्य, जहाँ पे लोग घर जल में उतर चुके हैं अच्छी खासी बारिश के बाद। यही होगी बस बारिश का आपको ध्यान रखना होगा, बारिश लगातार हो रहा है और अभी अलर्ट में है पूरा उत्तराखंड, रेड अलर्ट। देख रहे हैं इधर पत्थर और रेत के टीले दिख नजर आएंगे आपको, और इधर गहरे जल पे उतरे हुए लोग, स्नान करने में भी दिक्कतें हो रही है आज पूरी तरह से, जल को रोक दिया गया है। देख रहे हैं गंगा जी को रोक दिया गया है और काफी ज्यादा तेज जल थी, उसके बाद ये दृश्य देख रहे हैं। काफी सारे लोग सोना चाहे सिक्की ढूंढने में आ चुके हैं गंगा जी के किनारे, देख रहे हैं काफी सारे लोग हैं। हाय दोस्तों, हैदर गंगे नमामि गंगे, देख रहे हैं आज गंगा जी की धारा कितनी कम है, काफी सारे लोग यहाँ पे गहरे जल पे उतर चुके हैं और सोना चांदी ढूंढ रहे हैं काफी सारे लोग, और स्नान करने के लिए अभी आपको बताएंगे कि कहाँ पे स्नान कर, क्योंकि स्नान करने में थोड़ा दिक्कतें भी हो रही है आज, क्योंकि इतनी अचानक से जल को रोक दिया गया है। और देख रहे इतने गहरे जल पे जाने के बाद भी घुटने इतना जल है वहाँ पे, काफी सारे लोग स्नान कर रहे हैं। संडे आज और संडे के दिन भीड़ ऐसे ही रहता है, और एक ये भी रीजन है कि श्रद्धालु की संख्या काफी ज्यादा आती है संडे को, इसके जल को रोक दिया गया है। शायद ये जल की धारा 2 या 4 बजे 5 बजे तक फिर से आ जाए आरती से पहले। देख रहे ये हम आ चुके हैं शिव घाट पे, भीड़ तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे भीड़ है, इसका मतलब हर के पेड़ी में भी इससे डबल और ट्रिपल भीड़ है। सबसे अच्छा घाट अभी हम बताएंगे, अगर जल की धारा कम होती है तो स्नान कहाँ पे करें, दृश्य के साथ जानकारी देंगे। ये हम आ चुके हैं शिव घाट पे, देख रहे हैं यहाँ पे पत्थर, देख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर है। देख रहे हर हर महादेव, यहाँ पे सबसे अच्छी जल की धारा मिलेगी, देख रहे हैं आपने वहाँ देखा, अभी आप यहाँ पे देखेंगे। ये देख रहे हैं यहाँ पे काफी अच्छी जल की धारा है, अगर हर की पैड़ी में जल की धारा रोक दिया जाता है तो यहाँ पे जल की धारा काफी अच्छी होती है। देख रहे कमरे इतना जल है, बाकी जगहों पे आपको जल की धारा काफी कम देखने को मिलेगा, यहाँ पे अच्छी खासी आप डुबकी लगा सकते हैं। ये सारा जल की धारा को इसका रोका गया, देख रहे उस तरफ तो काफी सारे पत्थर भी दिख रहे हैं, पूरे पत्थर है उधर, रेत पत्थर, रेत के बड़े बड़े टीले देखने को मिलेंगे आपको। चलते हैं हर की पैड़ी में आपको दिखाते हैं हर की पैड़ी में आप स्नान कैसे करेंगे। देख रहे हैं पूरी तरह से यहाँ पे जल को रोक दिया गया है, जैसे नवंबर दिसंबर में जब दिवाली के आसपास जल की सफाई होती है, घाटों की सफाई होती है यहाँ पे, तब जाके इस तरह का जल की धारा को रोका जाता है, वैसे ही आज भी रोक दिया गया है। देख रहे हैं काफी अच्छी खासी जल थी, अब उसे रोक दिया गया है, और ये जल अभी आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि आज बड़ा स्नान इसकी वजह से इस तरह का है। देख रहे हैं बच्चा यहाँ पे लकड़ी निकाल रहा है, पूरे जल की धारा यहाँ पे कम है, और आगे जाएंगे तो और भी काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। देख रहे हैं और ये जल की धारा लिमिट समय के लिए कम किया गया, ऐसा नहीं कि पूरा समय के लिए कम किया गया, आज शाम तक फिर से छोड़ दिया जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं, जल कम है तो जल आ जाएगा, आप हरिद्वार की यात्रा कर सकते हैं, हरिद्वार की यात्रा में किसी बार कोई दिक्कत नहीं। स्नान करने के लिए आपको हर की पैड़ी जो घाट है वहां पे भी जल अच्छी मिलेगी आपको, और शिव घाट तो है ही है, वहां पे जल हमेशा अच्छा मिलता ही है, वहां पे जब जल की धारा नॉर्मल होता है तो वहां पे काफी तेज होता है, और अगर जल की धारा कम होता है तो स्नान करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त होता है। देख रहे हैं अच्छी खासी जल थी यहाँ पे, उसे रोक दिया गया है। देखिए बारिश फिर से शुरू हो चुकी है, ऐसे रात को बारिश नहीं हुई थी आज, और जल की धारा आप देख रहे हैं, हम नीचे ही गए थे, अभी पूरी जल की धारा को रोक दिया गया है।
चलते हैं अभी हरकी पैड़ी, यहाँ से बिल्कुल नजदीक है ये हरकी पैड़ी है। रिमझिम बारिश हो रही है और बारिश के बाद जो मौसम है और भी ज्यादा सुहाना हो जाता है और थोड़ी सी परेशानी भी होती है बारिश में। अभी हम आपको बताएंगे कि आप बारिश से कैसे बचे। काफी सारे लोग यहाँ पे चलते हुए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। आज प्रमुख जो द्वार है हरकी पैड़ी में प्रवेश करने के पास का जो मार्ग है वो बंद कर दिया गया होगा क्योंकि भीड़ आज नजर आ रहा है। तो चलते हैं, अभी हम हरकी पैड़ी का दृश्य आपको दिखाते हैं। ये हम आ चुके हैं शिव ब्रिज क्रॉस करने के बाद नए घाट पे देख रहे हैं बाढ़ का क्या यहाँ पे दृश्य है। बाढ़ का कोई दृश्य नहीं है, जल बहुत कम कर दिया गया है और यही होगा जब भीड़ ज्यादा होता है, जल को कम कर दिया जाता है ताकि स्नान करे श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, क्योंकि जो लोग आते हैं हरिद्वार, ये देख रहे हैं आप काफी अच्छी खासी यहाँ पे जल थी, उसे रोक दिया गया है और काफी लोग जल कम होने के बाद सोना चांदी सिक्के निकालते नजर आएंगे। ये प्रमुख घाट हरकी पैड़ी है, देख रहे हैं। चलते हैं दूसरे घाटों पे क्योंकि आज रविवार है, भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिलेगा और बारिश भी हो रही है तो भीड़ ऐसे ही थोड़ा कम अब नजर आएगा, क्योंकि जो भीड़ है आप 10 बजे के बाद देखने को मिलेगा। आप सभी को यही इंतजार रहेगा कि बारिश थोड़ा कम हो फिर हम घाट पे जाएं, देख रहे हैं। बाकी आपको हरिद्वार यात्रा में दिक्कतें नहीं होगी, बस बारिश का आपको ध्यान रखना होगा। बारिश लगातार हो रहा है और अभी अलर्ट में है पूरा उत्तराखंड, रेड अलर्ट। देख रहे हैं बारिश आने के बाद लोग यहाँ पे खड़े हो चुके हैं और जल की धारा काफी कम है यहाँ पे, देख रहे हैं। अभी हम बस हरकी पैड़ी जहाँ पे आरती होती है वहां पे पहुंचने वाले हैं। बारिश के बाद यही एक सहारा होता है छुपने का। भीड़ काफी ज्यादा है जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया था, बाकी जनों की तुलना में आज रविवार है तो रविवार को भीड़ होता ही है गंगा घाटों पे, देख रहे हैं अच्छी खासी तगड़ी वाली भीड़ है यहाँ पे। ये देख रहे हैं श्रद्धालुओं की भारी संख्या घाटों में प्रवेश कर रही है, हल्की फुल्की सी बारिश हो रही है, बारिश रुक गई, छाता नीचे कर देते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। ये देख रहे हैं हरकी पैड़ी का दृश्य जहाँ पे लोग गहरे जल में उतर चुके हैं अच्छी खासी बारिश के बाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे। जय माँ गंगे, हर गंगे, नमामि गंगे।